जैसी दशा जैसी तुम धरी हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धरी है। नमः श्री वर्धमानाय निर्दूता कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणाय ते। ये रत्नकरण श्रावकाचार नाम का ग्रंथ है। रत्नकरण माने क्या होता है, याद है राजेश जी? रत्न माने रत्न और करंड माने पिटारा, रत्नों का पिटारा है ये। वास्तव में तो ये ग्रंथ रत्नकरण है। आत्मा तो अनंत रत्नकरण है। आत्मा कैसा है? अनंत रत्न, एक एक गुण एक एक रत्न है। उसका करंड मैंने पिटारा है, उसको बताने वाला ये रत्नकरण है। इसकी अपन ने दो विषय पूरे हो गए। एक तो लेखक का परिचय संक्षेप में और दूसरा टीकाकार का परिचय। अब प्रस्तावना है, देखो पेज नंबर है इसका 25, बीच में है। तथा व्यंतर क्षेत्रपाल आदि को अपना सहाय माने हैं, सो मिथ्यात्व का उदय का प्रभाव है। लोग क्या कहते हैं, क्षेत्रपाल आदि से मेरे कुछ मदद मिलेगी, ये मेरा कुछ भला करेंगे। वो संप्रदाय में भूमिया जी और पता नहीं क्या क्या मानते हैं। हाँ, वो पद्मावती तो यहाँ भी मानते हैं, दिगंबर में भी मानते हैं, परंतु वो तो बहुत भूमिया जी है ना, वहाँ शिखर जी में नागोड़ा जी है, वो सब मानते हैं। क्यों मानते हैं? उनसे कुछ भला हो जाएगा। यहाँ कहते हैं ये तो ऐसा मानना जो होता है कि हमारी सहाय करेंगे, ये मिथ्यात्व के उदय के वश होता है। मिथ्यात्व का उदय का प्रभाव है। बहुरी केतक केतेक कहें जो चक्रेश्वरी पद्मावती देवी ये शस्त्र धारण किए जिन शासन की रक्षक हैं तथा सेवकनी की रक्षा करने वाली एक एक तीर्थंकरण की एक एक देवी है, एक एक यक्ष है, इनका आराधन करने पूजने ते धर्म की रक्षा हो है। ये धर्मात्मा की रक्षा करे हैं, ताते इन देविनी का और यक्षिनी का स्तवन करना पूजन करना योग्य है। देवी समस्त कार्य के साधने वाली तीर्थंकरण की भक्त है, इस बिना धर्म की रक्षा कौन करे? यही ते मंदिरिन के मध्य पद्मावती का रूप जाके चार भुजा तथा 32 भुजा और नाना आयुधन करी युक्त और तिनके मस्तक ऊपर पार्श्वनाथ स्वामी का प्रतिबिंब और ऊपर अनेक फणन का धारक सर्व का रूप करी बहुत अनुराग करी पूजे है। सो सब परमागम ते जानी निर्णय करो। ये सब अंदर लिखा है, वो बात है, ये सब ग्रंथ में आएगी। मूल मंदिर भी बनाए, वास्तव में तत्व ज्ञान के आधार के बिना कोई भी व्यवहार धर्म का अनुष्ठान करो, उससे कोई बहुत पुण्य भी नहीं बनने वाला है। धर्म तो तीन काल में कभी हो ही नहीं सकता है, परंतु पुण्य भी बहुत नहीं बनता है। किसके बिना? तत्व ज्ञान के आधार के बिना किसी भी व्यवहार धर्म के अनुष्ठान का बहुत फल लगने वाला नहीं है। क्यों नहीं लगता है? क्योंकि उसमें नियम से संसार साधने का ही प्रयोजन रहता है। ये मंदिर बनाएंगे तो फलाना लाभ होगा, ये करेंगे तो ये लाभ होगा, विधान करेंगे तो ये लाभ होगा, यात्रा निकालेंगे तो बहुत लाभ। अच्छा, अभी दिगंबर समाज में यात्रा का बहुत प्रचलन नहीं है। अभी श्वेतांबर में बहुत है पदम जी, 500 आदमी, 1000 आदमी और अकेले खर्चा। हाँ,
बस यही है दो ही चीज़ें। थोड़ा घुस गया अपने यहाँ भी घुस गया, थोड़ा इतना नहीं है, है? हाँ सुनो सुनो ये क्या कह रहे हैं, यात्रा ले जा रहे हैं समाज के लोग सितम्बर के, उसमें 10 जगह तो पर्यटन स्थल है यात्रा में। अच्छा यात्रा है, देखो देखो सो सब परमागम ते जानी निर्णय करो, ये पंडित जी ने लिख दिया, ए आगम का अभ्यास करो और निर्णय करो कि तुमको क्या करना है। मूड लोखन का बहाया बहिवे बही वो बहकावे में आना योग्य नहीं है, मूर्खों के बहकावे में आना योग्य नहीं है। प्रथम तो भवनवासी विंतर ज्योतिषी इन तीन प्रकार के देवनी में मिथ्या दृष्टि ही उपजे है। अभी पढ़ा कि नहीं अपन ने, भवनवासी व्यंतर और ज्योतिष तीन निकाय के देवों में मिथ्या दृष्टि उपजते हैं। सम्यक दृष्टि तो विमानवासी में जाते हैं, सम्यक दृष्टि का भवनत्रिक देवनी में उत्पाद ही नहीं और स्त्रीपना पावे ही नहीं। कोई कहता ना कि स्त्रीपना, यहाँ से मर के कोई स्त्री हो और पुरुष हो जाए, स्त्री यहाँ मनुष्य हो और देव हो जाए, देवी ना हो देव हो जाए, तो स्त्री पर्याय छिदी नहीं है, देव होने पर भी नहीं छिदी। सम्यक दर्शन हुए बिना स्त्री पर्याय छिदती ही नहीं, क्योंकि वहां देव हो जाए और देव मर के गाय बन सकता है, त्रियंश की स्त्री बन सकता है, वो छिदना नहीं है, वो एकाद भाव बीच में हो जाए पुरुष का, छिदना नहीं है। सम्यक दर्शन होने पर जितने संसार में भव हो, सम्यक के साथ एक भी भव में स्त्री नहीं होगा, ये स्त्री पर्याय का छेदन है। लोग बहुत ऐसे समझते हैं कि एक बार मनुष्य बन गए तो स्त्री पर्याय छिद गई, नहीं छिदी तो वो कैसे मिली, वो तो पुण्य के उदय से मिली है, वो पुण्य से पर छिदी नहीं है ऐसा है। देखो अर स्त्री पना पावे ही नहीं, सो पद्मावती चक्रेश्वरी तो भवनवासिनी है। सम्यक दर्शन के बिल्कुल नहीं, नहीं नहीं सिरेगा सम्यक दर्शन के, सम्यक दर्शन के होने के पहले हजारों लाखों वह पुरुष स्त्री और अनंत भाव नपुंसक के कर ले, वो स्त्री पर्याय छिदना नहीं है, बन जाए नहीं है, मुरुज बनी है फिर स्त्री हो जाए। अभी कहा ना यहाँ यहाँ कोई स्त्री हो, देव बना ना तो देवी नहीं बना, तो देव बना तो स्त्री नहीं बना ना, वहाँ यहाँ स्त्री था वहाँ देव बना, वहां से उतर करके गाय बन जाए तो गाय स्त्रीलिंग है, बन जाए नहीं, नहीं सम्यक दर्शन के बिना छिपता ही नहीं है, फिर बन जाए स्त्री, नपुंसक बन जाए ना, गलत फहमी में है। नहीं सम्यक दर्शन के साथ बोला ना, सम्यक दर्शन के साथ एक भी स्त्री, स्पेशली बोला मैंने सम्यक दर्शन के साथ एक भी स्त्री पर्याय धारण नहीं करता है, छूट जाए फिर कहा ना सम्यक दर्शन के साथ नहीं धारण करता है, छूट जाए तो मिथ्या दृष्टि हो गया, फिर क्या होगा, नपुंसक बन जाए नरक चला जाए, स्त्री तो क्या बात है नपुंसक बन जाए। देखो अर स्त्री पना पावे ही नहीं, देखो कौन सम्यक दृष्टि का, सो पद्मावती चक्रेश्वरी तो भवनवासिनी और स्त्री पर्याय में और क्षेत्रपाल आदि यक्ष व्यंतर
व्यंतर में देव पुरुष है उसमें भी सम्यक दृष्टि नहीं होता है जन्म, और स्त्री पर्याय किसी में भी जन्म नहीं होता है। तो माने इतने जो देवी देवता हैं वो तो सम्यक दृष्टि है ही नहीं, इसे दो क्या बात, ये व्यंतर, इनमें सम्यक दृष्टि का उत्पाद कैसे हो, इनमें तो नियम से मिथ्या दृष्टि ही उपजे हैं, ऐसा हजारों बार परमागम कहे है, सारे परमागम में कथन भरे है। क्या ये भवनत्रिक वाले जो देवी देवी वगैरह बनते हैं, ये कोई बहुत विशेष पुण्य नहीं होता है इनका, अनुमति बन जाते हैं। अनुमति में जो परमंशादी है, जो नग्न रहते हैं जंगल में रहते हैं, वो बहुत मंद कसाई, बहुत मंद कसाई, उनका 12वीं स्वर्ग तक जाना है। ग्रहित मिथ्यात्व के साथ 12वें स्वर्ग से ऊपर कोई जा सकता नहीं, कितने भी करे अनुमति। और एक बार और याद ना, ये तो कहा उनको कि वो महामंद कसाई है, ग्रहित मिथ्यात्व के साथ मंद कसाई होती नहीं है, तीव्र कसाई पाप के परिणाम ही चलते हैं बहुत। देखो ये तो नरक जाते हैं, त्रिंच नहीं नरक जाते हैं कितनी है वह असंख्यात नारकी है, ये तो संख्याते है, मनुष्य ही संख्याते है, मनुष्य पूरे सातों जात। क्या तो कहा ना कि वो मांसाहार आदि का कृतकारित अनुमोदना से त्याग करे वो तो न जाए, पर कौन बचता है उनमें। मैंने बताया था ना एक बार किस्सा, पदम जी हम बंबई से आ रहे थे तो यहीं एक अपना जो आपके घर के आगे जो चौराहा पड़ता है उसमें इधर की तरफ जो बिल्डिंग है ना उसमें एक खिलौनों की दुकान है, बोरा है वो तो हमारे साथ आ रहे थे, तो खिलौनों की दुकान है ऊपर पहली मंजिल पर, वही थे हैं हाँ। अब मुझे मालूम नहीं कौन, पर उस जगह वहाँ उनके खिलौनों की दुकान है, तो उनकी महिलाएं इतनी सब इतनी मतलब वेल बिहेव, सब बढ़िया, और हमारे सामने खाना भी खाया, सब मतलब निर्दोष खाना खाया उन्होंने। फिर हमने पूछा, हमको जरा घबराहट हो रही थी कि अपने सामने कोई मांसाहार करे तो तो हमने पूछा कि आप ने इसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं है, बोले नहीं 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 कुछ नहीं है, ये बिल्कुल सा। मैंने कहा आपके बोरा समाज, वो मुस्लिम नहीं थे बोरा थे, तो के आपके समाज में खाते हैं, बोले वैसे तो नहीं खाते हैं पर हमारे गुरु का आदेश है कि 40 दिन में एक बार तो आपको खाना पड़ेगा, 40 दिन में एक बार खाना ही पड़ेगा, नियम है, एक धर्म धार्मिक बंधन है ये। हाँ तो बोले बस वो 40वें दिन खाते, बताओ ये बच सकते हैं, शराब पिए बच सकता है, नहीं बच सकता, नियम है ये, बिल्कुल नरक जाते ही हैं ये लोग, ऐसा है। देखो और जैन शासन में हूँ ऐसी कई कथा हैं जो शीलवान तथा ध्यानी तपस्विनी के धर्म के प्रसाद पे देवन के आसन कंपायमान भये और देव जाए उत्सर्ग टाले और नाना रत्न करी पूजा करी, ऐसी कथा तो शासन में, शासन माने जैन शासन में बहुत है, और ऐसी तो कहूँ कथा भी नहीं जो धर्मात्मा पुरुष देवन को पूजे। क्या कहते हैं समझे इसका अर्थ क्या, पुण्यशाली मनुष्यों के पर्याय में उन मनुष्य जीवों की बहुत देव रक्षा सेवा करने आते हैं, पर पूरे आगम में एक कहीं नहीं लिखा कि देव तो मनुष्यों से पुण्यशाली अधिक है पर मनुष्य कभी उनकी सेवा करने गए हो, ऐसा ये कहा है इसमें। देखो अर देव आए उपसर्ग टाले, देव आके मनुष्यों का उपसर्ग टालते, मनुराज मनुष्य
अर नाना रत्न करी पूजा करे, ऐसी कथा तो शासन में जैन शासन में बहुत है। और ऐसी तो कहूँ कथा भी नहीं जो धर्मात्मा पुरुष देवन को पूजे, देवों की जाके सेवा करे, ऐसी कोई कथा नहीं है। और एक बात, जितने 63 शलाका पुरुष होते हैं सब मनुष्य होते हैं, एक भी देव नहीं है 63 शलाका पुरुष। भले ही उन देवों के पुण्य का उदय बहुत होता है, पर 63 शलाका पुरुष एक भी नहीं है। बताओ 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 नारायण, 9 पति नारायण, 9 बलभद्र, ये 63 है, इनमें एक भी देव नहीं है। ऐसा ही है देव, और सारे सम्यक दृष्टि के पद रिजर्व है ये। और पद्मावती चक्रेश्वरी की भी कई कथा है, जो शीलवंती व्रतवंतनी की देव देवियों की पूजा करें, और शीलवंती व्रतवंती तो जाए कोई देव देवी की पूजा करी नहीं लिखी है। मनुष्य पर्याय में तो देव देवी इनकी करे, परंतु उन स्वर्ग की देवियों की कोई पूजा नहीं है, है? उनसे आए चाहे नहीं आए, इसका भाव ही नहीं होता उनकी सेवा करने का, ये मतलब। भले पुण्यशाली है ना वो बहुत। अदेव तथा कार्तिक स्वामी ने कहा, नय को भी दे दी लच्ची, नव को भी जीवस्य कुणई, उव्यारम उव्यारम अव्यारम, कम्मम पिसुहासुहम कुणदी, भक्ति ये पूज्य मानो विंतर देवो विदेदी, जदि लच्छी तो किंदम मम कीरदी, एवं चिंतई सदिठी। इस जीव को कोई लक्ष्मी नाई देवे है, इस जीव को कोई लक्ष्मी नहीं देवे, और जीव का कोई उपकार अपकार नहीं करे। जो जगत में उपकार अपकार करता देखिए है, सो अपना किया शुभ अशुभ कर्म करी करे है, जो संयोग में उपकार अपकार दिखता है वो सब अपने कर्म का किया हुआ है। समझ में है? भाषा ये ढूंढारी और ब्रज भाषा मिक्स है। अभी तो सब हिंदी हो गया उसका, पूरा ग्रंथ में नहीं है ये, ग्रंथ में सब हिंदी है। करे बहुरी जो भक्ति करी पूजे, व्यंतर देवन देव ही लक्ष्मी देवे, तो दान पूजा शील संयम ध्यान अध्ययन तप रूप समस्त धर्म काहे को करिए, उनसे ही मिल जाता है तो काहे को करे, ये इतने व्यवहार धर्म के अनुष्ठान काहे के लिए करे। बहुरी जो भक्ति करी पूजे, बंदे कुदेवन ही संसार के कार्य सिद्ध करें, तो कर्म कछु बात ही नहीं ठहरे। एक कर्म क्या करेगा फिर अगर यही लोग करने लगे संसार के काम? हाँ, किसी के भी क्यों करे, फिर उसके कर्म क्या करेंगे? व्यंतर ही समस्त दुख का सुख का दायक रहे, धर्म का आचरण निष्फल रहा। ओहो क्या गजब की, इस सब यहां का धर्म स्वभाव ही समझना। चरणानियोग का धर्म क्या है? स्वभाव ही है। बहुरी जो मंत्र साधन विद्या आराधन देवाराधन है, ते समस्त पाप पुण्य के अनुकूल फले है। ओह, मंत्र साधन वगैरह जिसके पुण्य का उदय हो उसको फलते हैं, उसके सिद्ध होते हैं विद्या वगैरह सब। ताते जो सुख का अर्थी है, ते दया क्षमा संतोष निर्वांचकता मंद कषायता वीतरागता करी, एक धर्म ही का आराधन करो, अन्य प्रकार वांछा करी पाप बंद मत करो। क्या कहता है आखिरी में, क्या कहा? अन्य प्रकार की वांछा करके पाप बंद मत करो। संसार की किसी भी प्रकार की वांछा है, ये वांछा से पाप बंद होता है। देखो क्या गजब लिखा है, ऐसा ये साधन होता है
पुण्य के उदय से, पर इस संसार के प्रयोजन से साधे तो वो परिणाम पाप का है। साधन साधन होते सदती है वो पुण्य का उदय। एक कहा अलग अलग समझना, देखो चार बातें हैं, एक पुण्य का उदय है, एक पुण्य का परिणाम है, एक पाप का उदय है, एक पाप का परिणाम। अब आपको प्रत्येक जगह इनमें से घटाना है कि क्या क्या है। पाप का परिणाम संसार के प्रयोजन से कुछ भी करे ऐसा समझ में, वो तो पाप है। और जो सद जाता है विद्या आदि की, वो पुण्य के उदय से शक्ति है, ऐसा है। पुण्य के उदय की शक्ति है माने उतना पुण्य छीन हो जाता है। पुण्य का पाप का काय के लिए जाता है, क्या करने, मोक्ष जाने के लिए है। संसार के साधने का प्रत्येक परिणाम पाप है, कुछ भी हो वो पाप है। कहां रहती, उनके पास गया सेवा करने, वो कैसा है, अभिप्राय काय का है, उनकी सेवा करना ही संसार साधना है। तो पंडित जी ने लिखा है मोक्ष मार्ग, फल तो अभिप्राय का लगता है, आया था कि नहीं मोक्ष मार्ग प्रकाशन, फल तो अभिप्राय का, अभिप्राय में वासना है उसका फल लगता है, ऐसा लाया वासना का, अभिप्राय की वासना का फल लगता है। हाँ हाँ देखो ये हो गया ना, बहुरी जो अच्छा मैं पर ये तो बहुरी जो भक्ति करी पूजे वंदे कुदेवन कुदेव ही संसार के कार्य सिद्ध करेंगे तो कछु कर्म कछु आयु हो गया। बहुरी ये भी तो हो गया मंत्र साधन में, उसके नीचे वाला अर्जो देवनी का समागम में ही प्रीति करो हो तो उत्तम सम्यक दृष्टि सौधर्म इंद्र तथा सची इंद्राणी तथा लोकांतिक देवन का ही संगम में बुद्धि करो। क्यों, ये सब एक भवतारी सम्यक दृष्टि है, ये नियम है, ये सम्यक दृष्टि तो है एक भवतारी है। पूरे जो तीन नाम लिए ना, तीनों एक भवतारी है, अगले भव से मोक्ष जाने वाले हैं, उनके संगम की बुद्धि करो करना ही है। तो अन्य अधम देवनी का सेवन करी कहाँ साध्य है, पापी देवों के साधने से क्या साध्य है। ये तो उत्कृष्ट बात है भाई, ये चरणानियोग का ग्रंथ है, ये चरणानियोग का ग्रंथ है। देखो बहुरी मिथ्या बुद्धि करी मंदरनी में क्षेत्रपाल स्थापन करे और नित्य पूजन करे हैं, तभी प्रथम तो क्षेत्रपाल का पूजन करे है और क्षेत्रपाल का पूजन किया पाछे जिनेंद्र का पूजन करे है, और ऐसा कहे है पहले जैसे पहली द्वारपाल का सम्मान करिए पीछे राजा का सम्मान करना, द्वारपाल बिना राजा सो कौन मिलावे, तैसे क्षेत्रपाल बिना भगवान का मिलाप कौन खरावे। पहले उसके ऑफिस के चपरासी को टिप देना, फिर वो अंदर जाने देगा, ऐसा देखो तीन मूढ़न के ऐसा विचार नहीं, जो भगवान तो मोक्ष में है तो किससे मिलने जा रहा है, भगवान कहाँ है मोक्ष में, तो ये मिलने गया और उनसे उनके पास चला गया क्षेत्रपाल आदि के पास। भगवान तो मोक्ष में है, भगवान परमात्मा का स्वरूप को यो मिथ्या दृष्टि अज्ञानी कैसे जानेगा और कैसे मिलावेगा। पहले ही सिद्ध कर दिया है कि क्षेत्रपाल आदि मिथ्या दृष्टि है, ये कैसे मिलाएगा और विघ्न को कैसे विनाशेगा, आपका विघ्न ही नाश करने को समर्थ नहीं, आपका विघ्न ही नाश करने को समर्थ नहीं, सो विचार रहित मिथ्या दृष्टि लोक क्षेत्रपाल का महाविपरीतता रूप बनाए
वीतराग के मंदिर में प्रथम स्थापन करें, जाका हस्त में मनुष्य का कटिया मुंड और गदा खड़ग और कुकरा वाहन करी सहित स्थापन करे करी तेल गुड़ का भक्षण भक्षण ते क्षेत्रपाल प्रसन्न होए। ऐसा करते हैं क्या? आप श्वेतांबर का बता रहे, मैं दिगंबर का पूछ रहा हूँ। दिगंबर में ऐसा कहाँ देखा? दिगंबर में नहीं है ऐसा। नहीं, इसमें जितनी तेल अकेला नहीं, ये तो कितनी बातें लिखी है इसमें तो, कि देखो मनुष्य का कटिया मूंग और गदा खड़ग और कुकरा वाहन। कुकरा वाहन माने कुत्ते का वाहन। अच्छा, ऐसा भाई ये दिगंबरों के स्थापना करी तेल गुड़ का भक्षण ते क्षेत्रपाल प्रसन्न होए, ऐसे लोखनी को बहकाए पूजे हैं। ओह, बैठ जाते हैं लोग, पूछते हैं और इनका पहली दर्शन पूजन स्तवन करे सो सब मिथ्या दर्शन और कुज्ञान का प्रभाव। पहले मिथ्या दर्शन का कहा था, अब मिथ्या दर्शन और कुज्ञान का प्रभाव होता है। बहुरी पार्श्व जिनेन्द्र की प्रतिमा के मस्तक ऊपर फण बिना बनाए बनावे ही नहीं। पार्श्व जिनेन्द्र की प्रतिमा के मस्तक ऊपर फण बिना बनावे नहीं, माने फण होना ही होना। और भगवान पार्श अरिहंत के समोषण में धरनेन का फण मस्तक ऊपर कैसे समय? वो तो अरिहंत की प्रतिमा है, तो समोषण में कहाँ है कि वो भगवान वो फण पर समय में? धरनेन्द्र ने तो भगवान के तप के अवसर में फणा मंडप किया था, सो फिर फणा मंडप का प्रयोजन नहीं। धरनेन्द्र ने भगवान के तप के अवसर, तब के अवसर पर माने मुनि दशा में, तब के अवसर पर माने मुनि दशा। ये कहाँ हुआ था पता है? मैं बिजोलिया मंदिर के बगल में, मंदिर के बिल्कुल बगल में सब बना है। वो पत्थर भी पड़े हैं, जो पत्थर बरसाए थे वो बहुत पुरानी घटना नहीं है, 3000 वर्ष तक की तो है घटना। पार्श्वनाथ भगवान की 3000 करीब 500-700 वर्ष पहले ही तो है, महावीर भगवान के तो 2500 और 500 ढाई सौ लो, तीन भी नहीं हुए। देखो और पार्श्व जिनेन्द्र अरंत भय और इंद्र की आज्ञा ते कुबेर समोषण रचा, तहां भगवान फण सहित नहीं विराजे होते। वहां फण सहित नहीं है, पर अरंत प्रतिमा है तो फण की जरूरत नहीं है। पर वो प्रथा चली आ रही है तो चली आ रही है, पर अभी तो वो टूट भी गई है, टूट गई है। हाँ, ज्यादातर तो नहीं बना रहे। एक कहाँ देखी थी, कितने फन थे उसके? साक्षात समोषण में तो भगवती
करना
जा रहा है।
स्थापित करके करते हैं तो वो तो फिर पूरा का पूरा दर्शन को अंदर ही नहीं ले जाता है। जो हम जैसी मानते हैं ना, सबसे बड़ी भूल समझाने की भी अभी जगह जगह पढ़ रहे हैं तो वो उसका मतलब ही हवा में उड़ाते हैं सम्यक दर्शन को, ऐसा कि बस उसके बाद सम्यक दर्शन उनका विषय ही नहीं है ना। वास्तव पच्चीस पृष्ठों में इस अधिकार का विस्तृत विवेचन सबसे बड़ा है।
कौन ने लिखा है? नाम नहीं तो आया ही नहीं। क्योंकि पर पदार्थ भवत है और आत्मा तो
पर से संबंध भेद करके बताए और वो सद्भुत व्यवहार होता है और अभेद करके अपने विकार आदि से संबंध बताए, अभेद करके बताए, विकारी पर्याय से बताए या शुद्ध पर्याय से बताए, सारा निश्चय में जाता है। यह ध्यान रखने की बात है। मूल बात क्या है कि परद्रव्य से संबंध बताने वाला निश्चय कोई नहीं है, क्यों इस संबंध कभी भी अभेद रूप बनता ही नहीं है परद्रव्य के साथ। उत्पन्न होते इसलिए औपाधिक भाव है। आत्मा से उत्पन्न
पर भाषवे को मानुषी बधानी।